कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ अब यूपी का चुनाव पहुंच गया है पांचवें चुनाव के फ्रंट में। और यहां पर बहुत खास जिले हैं, जैसे कि अयोध्या है, संगम नगरी है, चित्रकूट है, श्रावस्ती है, ये तमाम जिले जिन पर सबकी निगाह है। और इसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है संगम नगरी की, क्योंकि संगम नगरी में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 12 विधानसभा सीटें। और कहा जाता है कि जिस किसी ने भी धर्मनगरी को, संगम नगरी को जीत लिया, उसके लिए सत्ता की राह आसान हो जाती है। और 2017 में हमने देखा भी था कि किस तरह से बीजेपी इन 12 सीटों में से 9 सीटों पर अपना भगवा लहराती है, तो 2 सीटें बीएसपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है। लेकिन इस बार के चुनाव में गणित क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो जब इन समीकरणों को समझना है तो सबसे पहले जातिगत जो समीकरण है उनको देखना जरूरी है, क्योंकि जो यूपी की सियासत है वो जातिगत समीकरणों पर बहुत हद तक आधारित होती है। तो यहाँ पर पहले आपको बता दें कि वो 12 विधानसभाएं कौन है और उसके बाद नजर डालेंगे उनके जातिगत समीकरणों पर। तो फूलपुर विधानसभा, प्रतापपुर विधानसभा, बारा विधानसभा, मेजा विधानसभा, कुराव विधानसभा, हंडिया विधानसभा, करछना, शहर पश्चिमी, शहर उत्तरी, दक्षिण, फाफामऊ और सुराव विधानसभा, तो ये 12 विधानसभाएं प्रयागराज के। अब यहाँ के जातीय समीकरण क्या कहते हैं वो भी देखिए। शुरुआत करते हैं फूलपुर विधानसभा से, जहां पर दलित समाज की बात की जाए तो करीब 75,000 वोटर्स बताए जाते हैं, और यादव वोटर्स करीब 60,000, पटेल वोटर्स 60,000, ब्राह्मण वोटर्स 55,000, मुस्लिम वोटर्स 50,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000 मतदाता बताए जाते हैं। अगले विधानसभा का रुख करते हैं, बात करते हैं प्रतापपुर विधानसभा की। तो प्रतापपुर विधानसभा में यादव लगभग 1,00,000 वोटर्स बताए जाते हैं, और दलित वोटर्स करीब 60,000, मुस्लिम वोटर्स करीब 50,000, ब्राह्मण करीब 30,000, वैश्य 20,000। बारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर लगभग दलित समाज के वोटर्स 1,00,000 की संख्या में हैं, ब्राह्मण 85,000 की संख्या में बताए जाते हैं, पटेल 65,000, यादव 20,000 बताए जाते हैं। मेजा विधानसभा की बात करें तो ब्राह्मण करीब 90,000, अनुसूचित जाति 60,000, यादव 40,000, निषाद और केवट वोटर्स करीब 22,000 बताए जाते हैं। कोराव विधानसभा में कोल करीब 75,000, ब्राह्मण 70,000, पटेल 45,000, मौर्य 40,000, अनुसूचित जाति के वोटर्स करीब 40,000 बताए जाते हैं। हंडिया विधानसभा की बात करें जो कि बीएसपी के खाते में गई थी, वहां पर ब्राह्मण करीब 1,00,000 की संख्या में बताए जाते हैं वोटर्स, यादव वोटर्स करीब 80,000 बताए जाते हैं, दलित वोटर्स करीब 60,000 बताए जाते हैं, बिंग वोटर्स भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है 50,000 के करीब, मुस्लिम वोटर्स करीब 30,000 और क्षत्रिय करीब 20,000। करछना विधानसभा की बात करें जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर पटेल मतदाता करीब 65,000, दलित वोटर्स करीब 65,000, यादव करीब 38,000, मुस्लिम करीब 37,000, ब्राह्मण और निषाद करीब 20,000 बताए जाते हैं। शहर पश्चिम सीट जो कि हॉट सीट है, वहां पर 80,000 के करीब दलित वोटर्स हैं, 40,000 के करीब पाल वोटर्स हैं, 60,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं और 30,000 से 40,000 के करीब पटेल वोटर्स हैं, 55,000 ब्राह्मण और 20,000 ठाकुर वोटर्स बताए जाते हैं। शहर उत्तरी की बात करें तो ब्राह्मण और कायस्थ करीब 1,00,000 हैं, अनुसूचित जातियां 90,000 के करीब हैं, वैश्य और यादव 45,000। दक्षिण सीट की बात करें तो मुस्लिम करीब 1,25,000, वैश्य करीब 70,000, अनुसूचित जाति के वोटर्स 45,000, वैश्य और ब्राह्मण 40,000 बताए जाते हैं। फाफामऊ विधानसभा जो खूब चर्चा में आया था कोविड के समय पर, वहां पर दलित समाज के वोटर्स करीब 70,000 बताए जाते हैं, ब्राह्मण करीब 50,000, यादव और पटेल 45,000 बताए जाते हैं और मुस्लिम वोटर्स 30,000 के करीब बताए जाते हैं। आखिरी विधानसभा सुराव विधानसभा, जहां पर दलित वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण है, करीब 1,25,000 की आबादी बताई जाती है, पटेल 65,000 बताए जाते हैं, मुस्लिम और यादव करीब 40,000 बताए जाते हैं। वैश्य, ब्राह्मण और निषाद वोटर्स भी सीट पर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन ये तो रहा जातीय समीकरण, इनके आंकड़े हालांकि कोई ये पुख्ता आंकड़े नहीं है क्योंकि कोई जातिगत जनगणना नहीं होती, लेकिन जो तमाम सर्वे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से करवाए जाते रहते हैं उनके आधार पर ये डेटा यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि लोकल ही वोकल है, जो आपको अगर चुनाव को सही से समझना है किसी विधानसभा क्षेत्र में तो आपको स्थानीय लोगों से बात करनी होगी। तो ऐसे में हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार से बात की, तो वो क्या कहते हैं प्रयागराज की 12 सीटों को लेकर, जरा सुनो। प्रयागराज में 12 विधानसभाओं में क्या लग रहा है कि किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, कितनी सीट जीतेगी कौन सी पार्टी और बजे का? जैसे पिछली बार रही है कि बीजेपी की 9 सीट विधानसभा
जीती है 12 में से, 2 BSP जीती है, 1 समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन इस बार यही महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के BJP की सीट निश्चित तौर पे काफ़ी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है 5 सीट आए, बाकी अन्य के खातों में चली जाएगी सीटें। वजह यही महंगाई बेरोजगारी है, सबसे बड़ा वजह है छात्र युवा बिल्कुल परेशान है, उनके ऊपर इतनी लाठियाँ भांजी जा रही, प्रयागराज में अभी छात्रों को हॉस्टल में घुस घुस के मारा गया, युवा वर्ग भी बहुत ज़्यादा नाराज है, नौकरी के नाम पे केवल उनके साथ छलावा हो रहा है, तो वो अपने आप को छला महसूस कर रही हैं, तो इसलिए इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो BJP इसमें बैट फुक पे रहेगी, डाउन रहेगी। अरुण कुमार सोनकर, हिंदी दैनिक इलाहाबाद एक्सप्रेस। तो अरुण कुमार सोनकर के मुताबिक यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और उसके बिना पर विरोधी अपने आप को मजबूत साबित करने पर डटे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पिछले जो नतीजे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं वोटर्स की मानसिकता को, तो ज़रा पिछले नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं और 17 की बात कर लेते हैं जहाँ पर एक तरफा भगवा भगवा था, जबकि 12 के चुनाव में BJP कहीं नज़र नहीं आ रही। तो पिछले 3 चुनाव के नतीजे विधानसभा सीटों पर क्या कहते हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हॉट सीट फूलपुर से। फूलपुर की बात करें तो 2017 में BJP को जीत मिली थी, 2007 और 12 में समाजवादी पार्टी यहां पर जीती। वहीं अगर कोराव सीट की बात करें तो पिछली बार यानी कि 17 में कमल खिला था, जबकि 2012 में BSP की जीत हुई थी। प्रतापपुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर 2017 में मोदी लहर में भी BSP का कब्जा हुआ था, जबकि 2007-2012 में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। 12 जो कि सुरक्षित सीट है, वहां पर 2017 में कमल खिला था, तो 2012 में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी थी। 2007 में भी BJP का कब्जा यहां पर था। मेजा विधानसभा की बात करें तो यहां से BJP की नीलम कारोबारिया विधायक हैं और 2012 में समाजवादी पार्टी को, तो 2007 में BSP को जीत मिली थी, यानी कि एकीकृत तीनों पार्टियों को यहां पर मौका दिया गया। हंडिया विधानसभा सीट की बात करें तो BSP के हाकिम लाल यहां से जीते थे, जो अब दल बदल कर सपा में शामिल हो गए हैं। वहीं 2012 में सपा, तो 2007 में बसपा का कब्जा था। करछना विधानसभा सीट पर सपा का कब्जा है, यहां से सपा के उज्जवल रमन सिंह विधायक हैं, तो 2012-2007 में BSP ने जीत दर्ज की थी। शहर पश्चिमी विधानसभा सीट जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से BJP के सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, 2017 में उन्होंने कमल खिलाया था, जबकि इसके पहले 2007-2012 में BSP की पूजा पाल की जीत हुई थी। शहर उत्तरी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो 2017 में BJP के हर्षवर्धन वाजपेयी जीते थे, वही 2012-2007 में कांग्रेस से अनुग्रह नारायण सिंह जीते थे। शहर दक्षिणी विधानसभा सीट भी हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ से BJP के मंत्री नंदगोपाल नंदी चुनाव मैदान में हैं और 17 में उन्होंने ही जीत दर्ज की थी, 2012 में सपा, तो 2007 में BJP के खाते में ये सीट गई थी। फाफामऊ विधानसभा की बात करें तो 2017 में BJP की विक्रमजीत की जीत हुई थी, जबकि 2012 में सपा को ये सीट मिली थी। सोराव विधानसभा सीट BJP के सहयोगी दल अपना दल के खाते में गई थी, जमुना प्रसाद यहां से विधायक हैं, वहीं 2012 में सपा, तो 2007 में बसपा इस सीट पर जीत दर्ज करती है। तो भाई ये तो पिछले नतीजे थे, ये तमाम समीकरणों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समीकरण आंकड़े मौजूदा स्थिति में कहां हैं ये समझना भी जरूरी है, जिस पर हम बार बार जोर दे रहे हैं। तो चलिए एक और वरिष्ठ पत्रकार से जानते हैं कि प्रयागराज की 12 सीटों पर किसका दम ज्यादा दिखाई देता है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 में से 9 सीटें यहां ली थी। इस बार मैं समझता हूं कि भाई एक थोड़ी सी एक सरकार में रहने की एक कीमत चुकानी होती है और जाहिर सी बात है कि इतने ऊंचे से और ऊपर क्या जाएगा, आदमी थोड़ा कम ही होगा। मेरा अपना आकलन है कि 9 से फिसल के भारतीय जनता पार्टी 7 या 8 सीटों पर आ जाएगी। वजह जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ छुट्टा जानवरों की वजह है, कुछ रोज़गार को लेकर यहाँ पर छात्र आंदोलन चलता रहा है और एक गवर्नमेंट होती तो थोड़ी ना थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती ही है। तो भाई ये तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपना आंकलन है, गुना भाग है, समीकरण है, लेकिन असल पिक्चर तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगी कि प्रयागराज में इस बार किसका कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि नतीजे उस दिन आएंगे। उसके पहले 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग देनी है, वोटिंग होनी है, तो हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आप प्रयागराज के हैं तो बढ़ चढ़ कर वोटिंग कीजिए और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी
जिम्मेदारी को निभाई और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते जाएंगे जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। हर जिले का, हर हॉट सीट का हाल आपको बताते जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस बार क्या माहौल है, कौन जीत रहा है यूपी। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए आप यूपी तक देखते रहिए, तफसील से खबरों को पढ़ते रहिए यूपी तक डॉट इन पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चुनावी खबरें नहीं होती हैं बल्कि खबरों का सही विश्लेषण भी, सटीक विश्लेषण भी आप तक हम पहुँचाते हैं।